नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक संसार के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, हमने सोनम वाईचुंग जी के चाइना को जवाब सीरीज से प्रेरित होकर बनाया है। दोस्तों, चाइना हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक डोमिनेट करता है और हमसे ही कमाए हुए पैसों से वो हमारे मिलिट्री के ऊपर और हमारे देश को कमज़ोर करने के पीछे खर्च करता है। आज हमारे टूथब्रश से लेकर हमारे टॉयलेट सीट तक, हमारे जूतों से लेकर हमारे शर्ट तक चाइना से आते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना में ही बनते हैं। दोस्तों, हम हर साल चाइना से करीब 5.2 लाख करोड़ रुपयों का सामान खरीदते हैं और बदले में हम सिर्फ 1.2 लाख करोड़ का ही प्रोडक्ट निर्यात कर पाते हैं, जिससे करीब 4 लाख करोड़ रुपयों का ट्रेड डिफिसिट होता है, यानी कि डायरेक्ट घाटा होता है व्यापार में। तो दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि आखिर ये होता कैसे, तो आपको मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब भी कोई लोकल इंडस्ट्री भविष्य में चाइनीज कंपनी को टक्कर देने वाली होती है या फिर राइजिंग होती है, तो चाइना उस समय हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स की मास डंपिंग शुरू कर देती है। जैसे हमारे लोकल प्रोडक्ट्स के जो दाम होते हैं, उससे काफ़ी कम दाम में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में फ्लड कर देती है, मार्केट को पूरी तरह से भर देती है, जिससे लोकल कंपनीज के प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाते हैं। और हमारा क्या है, हमें तो सस्ते प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है। दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण यह होगा कि जैसे बोट एक कंपनी है, हमारी भारतीय कंपनी है, इसकी एक ईयरफोन, अच्छी क्वालिटी की ईयरफोन 300 से 400 रुपए में आती है, जो कि 2 से 3 साल आराम से चलती है। लेकिन हम क्या खरीदते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग 50 रुपए के चीप क्वालिटी वाले चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो कुछ दिन में ख़राब तो हो ही जाते हैं, साथ में हमारी कानों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिनकी एक्सपोर्ट भारत में काफ़ी ज़्यादा है और यह भारतीय मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती हैं या फिर कहें तो प्रभावित करती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, टॉप 5 चाइनीज इंडस्ट्री दैट इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट। 5वें नंबर पर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दोस्तों, भारत की आयरन और स्टील इंडस्ट्री आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुकी है, लेकिन आज भी भारत चाइना से करीब 2.3 बिलियन यूएस डॉलर के स्टील प्रोडक्ट निर्यात करता है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया जब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, तो इम्पोर्ट क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया का करीब 52% स्टील सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है, जिसके फलस्वरूप चाइना अपना प्रोडक्ट चीप स्टील भारत के मार्केट में डंप करता है, जिससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। 4वें नंबर पर है केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। देश में हरित क्रांति के बाद हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन कृषि के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र पूरी तरह से निर्भर हो गए और इसका एक बड़ा भाग चाइना से आता है, जिसकी वैल्यू करीब 2.7 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, अगर हम चाइना के इस केमिकल फर्टिलाइज़र से बचना चाहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी और ज़मीन दोनों को ही नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना होगा और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। 3रे नंबर पर है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल्स यानी रसायन एक मुख्य रॉ मटेरियल हैं प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स और अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए। दोस्तों, इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल की मार्केट वैल्यू करीब 13 बिलियन डॉलर है, जो कि 2025 तक बढ़कर करीब 16 बिलियन डॉलर तक हो जाने वाली है। हम चाइना से हर साल करीब 6.3 बिलियन यूएस डॉलर के ऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम इन इंपोर्ट को पूरी तरह बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ कुछ ऐसी केमिकल्स पे डिपेंड करती हैं, चाइना ही उनका मेन सप्लायर है, लेकिन अगर हम इन्हें अपने देश में बनाना शुरू करें तो यह हो सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। 2रे नंबर पर है मशीन इंजन एंड पंप इंडस्ट्री। मशीन इंजन एंड पंप का मार्केट काफ़ी बड़ा है। एग्रीकल्चरल मशीनरीज, कंस्ट्रक्शनल मशीनरीज और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जिस प्रकार चाइना प्रोडक्शन को स्केल अप करती है और ये प्रोडक्ट को काफ़ी कम दामों में बना पाते हैं, जिससे
वो भारत की कंपनियों से काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट बनाकर भारत की मार्केट में प्रोडक्ट्स को डंप करते हैं। दोस्तों, भारत का यह मार्केट करीब 100 बिलियन डॉलर का है, जिसका 10% हिस्सा यानी करीब 10 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट हम चाइना से खरीदते हैं। दोस्तों, यह तो एक रफ एस्टिमेशन है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो चाइनीज पार्ट्स लेकर इंपोर्ट करके उन्हें यहाँ असेंबल करती हैं। पहले नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चाइना का मार्केट शेयर काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद चाइना ने इसमें काफ़ी ज़्यादा राइज किया है। दोस्तों, आज दुनिया की करीब 80% एसी चाइना बनाती है, करीब 70% मोबाइल फ़ोन आज चाइना में बनते हैं, और यही नहीं दोस्तों, करीब दुनिया के 74% सोलर सेल्स भी चाइना में बने होते हैं। अगर हम चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो भारत में चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स का मार्केट शेयर 67% का है। दोस्तों, चाइनीज़ हार्डवेयर को डंप करने की बात संभव तो है, पर यह तभी संभव है जब हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट खरीदें या फिर हम किसी अन्य देश के प्रोडक्ट को खरीदें जिसके साथ भारत का ट्रेड अच्छा हो और भारत के साथ उसकी पॉलिसी अच्छी हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट से बॉयकट को लेकर दूसरे वीडियो भी आपको देखने हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें टेक संसार को। धन्यवाद।